पटेल जी जुड़ चुके हैं। हार्दिक पटेल जी, पहले तो आप गुजरात में युवा अध्यक्ष बने, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल कि युवा एक तरफ तो देखिए गुजरात में आपको आवाज आ रही है ना हार्दिक पटेल जी? जी जी आ रही है अर्पिता जी, जी। बोलिए। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो गुजरात में देखिए आपको मौका मिला, युवा चेहरा हैं आप और आप अब कमान संभालेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है सर राजस्थान में? देखो, गुजरात की जिम्मेवारी मिली है तो स्वाभाविक तौर पे हम गुजरात में खूब अच्छा काम करेंगे। और साथ ही में आप जो राजस्थान की बात कर रहे हैं तो एक घर के छत के नीचे भी बाप बेटे का रिश्ता भी कहीं ना कहीं विवादों से भरा रहता है। तो राजस्थान में हमारे गहलोत साहब हो, मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी हो, तो छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन हम बैठ कर उसको सुलझा लेंगे, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। और उनके नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी काम कर रही है वो बहुत ही दुखद बात है, नाराजगी नहीं है हम लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगंडा चला रही है कि देखिए कांग्रेस की सरकार गिर रही है। हमने पिछले दो साल से राजस्थान में ठीक से काम कर रहे हैं, हर एक मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, गांव के मुद्दे हो। तो हमारी सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आपने मध्य प्रदेश में भी देखा। लेकिन हम सब साथ मिलकर देश की जनता के लिए, देश के गांवों के लिए, देश के लोगों के लिए खूब अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन हार्दिक पटेल जी, आप ये कह रहे हैं ठीक है परिवार में अगर ऐसे गहमा गहमी की स्थिति बन जाती है, अलग भी हो जाते हैं, लेकिन मनाने की भी तो कितनी कोशिश हो गई। आपको क्या लग रहा है ऐसी कहाँ कमी रह गई जहाँ ये छिटकते हुए नजर आ रहे हैं? किस बात से वो ज्यादा नाराज हो गए? क्या केवल युवा चेहरा कहकर आगे किया जा रहा है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा, वो साथ छोड़कर चले गए और कुछ वैसी तस्वीर अब राजस्थान में भी बन रही है। अगर ऐसे ही एक एक करके युवा छिटकते जाएंगे तो पार्टी में सेकेंड लीड का कौन नेता होगा? नहीं, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी के नौजवान सब लोग एकजुट है। मैंने पहले भी कहा कि छोटे मोटे विवाद है उसी को हम सुलझा देंगे। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी राजस्थान गए हैं, हम पायलट साहब के साथ गहलोत साहब के नेतृत्व में खूब अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके हमारी सरकार गिरा रही है। लेकिन हम सब कुछ ठीक करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। राजस्थान की जनता के लिए गहलोत साहब और पायलट साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा और ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। जो छोटे मोटे नौजवान हैं, जैसे हम जैसे व्यक्ति को, एक किसान परिवार को प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पार्टी नौजवानों को जिम्मेवारी देती है, ऐसे ही पायलट साहब को सबसे कम उम्र में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। तो पार्टी नौजवानों को आगे करेगी, नौजवानों को महत्व भी देगी और पूरा प्रतिनिधित्व नौजवानों के साथ रहेगा। ठीक है हार्दिक पांडे जी, हार्दिक पटेल जी हमारे साथ इस वक्त अरुण भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। अरुण, हार्दिक पटेल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो पिछली मुलाकात हमारी गुजरात में जब विधानसभा चुनाव था तो आपके फ्लैट में, आपके घर के अंदर एक इंटरव्यू मैंने आपका किया था और उसमें काफी कुछ बातें आपने कही थी। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला है वो सोनिया गांधी का फैसला है या राहुल गांधी का फैसला है? पार्टी का फैसला है, बिल्कुल पार्टी ने सही फैसला ही लिया होगा। और अब आप ये बोलेंगे सोनिया जी राहुल जी का, पार्टी के अध्यक्ष हमारे सोनिया जी है, हमारे युवा नेता हमारे नेता राहुल जी है, तो स्वाभाविक तौर के उन्होंने बैठकर ये फैसला लिया होगा। और मैं मानता हूँ कि नौजवानों को जो प्रतिनिधित्व ये मिला है वो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिनिधित्व है कि आप लड़िए, आप सरकार से सवाल कीजिए, सरकार अच्छा नहीं करी तो आप उनका विरोध कीजिए। और गुजरात के अंदर हम ये कर रहे हैं, पार्टी गुजरात में एक मजबूत विपक्ष की धारा में काम कर रही है। और राहुल जी और सोनिया जी ने जो हमारे लिए जो फैसला लिया है वो मेरे लिए पद नहीं है, चुनौती है, और उस चुनौती से पार निकलने का मैं काम कर रहा हूँ। हार्दिक जी एक छोटा सा सवाल है। आपसे पहले राहुल गांधी ने इतना भरोसा अल्पेश ठाकोर पर दिखाया था, मुझे याद है कि गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी अपने पहले उनसे कहते थे कि आप बोलो मंच से, हर बार पूछते थे शक्ति सिंह गोहिल से कि कहाँ है अल्पेश ठाकोर, और क्या हुआ, अल्पेश ठाकोर ने क्या किया कांग्रेस के साथ? आपको अब भरोसा जताया गया है, कैसे संबंध चलेगा आगे आने वाले दिनों में आपका और राहुल गांधी का? शायद आप भूल गए हैं कि हम उस संघर्ष की सदियों से निकले हैं जहां पर हम जेल भी जाके आए हैं और राजद्रोह के मुकदमे भी झेल रहे हैं।
हम 4.5-5 साल से सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं, जेल भी गए और 32 मुकदमे के साथ कोर्ट के धक्के भी खा रहे हैं। तो हम संघर्ष से जीने वाले लोग हैं, संघर्ष को महत्व देते हैं, सत्ता को या पैसे को नहीं। और इसीलिए हमने कांग्रेस को पसंद किया था, वही कांग्रेस जिस कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने, गांधी जी ने और सरदार पटेल ने किया हो, ये वही कांग्रेस है जो सुभाष चंद्र बोस की, लाल बहादुर शास्त्री की रही हो। तो आप एक बात समझिएगा कि हम सत्ता के साथ बैठने वाले नहीं है, हम सत्ता के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। और अल्पेश को जिस तरह से पार्टी ने महत्व दिया फिर भी वो चला गया, हम तो 1.5 साल पार्टी में सिर्फ वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे और 1.5 साल के बाद हमें मुझे ये जवाबदारी मिली है। तो मैं इस जवाबदारी को अपनी महत्व मानता हूँ और इस महत्व के जरिए यहाँ पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए हार्दिक पटेल जी, आपने संघर्ष की बात की और यही संघर्ष की बात तो अब सचिन पायलट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारा संघर्ष उन्होंने मैदान पे किया, चुनाव जिताया, उसके बाद गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब मान लीजिए गुजरात में अगर ऐसा हो कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर और बाद में वहां अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथ है। आप जिस तरह से कहे थे अभी 22 में चुनाव आएंगे, मेरी उम्र 26 साल है, अभी से हम दूसरी बात नहीं करेंगे मुख्यमंत्री की। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश में सरकार बने और 6 करोड़ लोगों के हितों की बात हो। जहां तक राजस्थान की बात है तो गहलोत साहब के अनुभव, उनकी सलाह सूचन और सचिन पायलट साहब की मेहनत और उनके संघर्ष के साथ वहां सरकार बनी है। दोनों को बराबरी का हिस्सा और बराबरी का महत्व दिया गया है। अभी जो वहां जो भी सहमासहमी चल रही है उसको पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से सहमति के साथ सुलझा देगा, आप चिंता मत कीजिए ज्यादा। अरुण, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हार्दिक जब आप बोल रहे हैं ना तो मुझे कुछ याद आ रहा है। yes. जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, तो वो 4 करोड़ गुजराती, 4.5 करोड़ गुजराती उन्हीं की सिर्फ बात करते थे और आज मैं सुन रहा हूँ आप 6 करोड़ गुजरातियों की बात कर रहे हैं, क्या समानता है? जिस गुजरात में मैं रहता हूँ, जिस पार्टी ने मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी है, तो मेरे लिए यहाँ के लोग और यहाँ के गांव इसलिए महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि मुझे इनके लिए अभी लड़ना है। मेरी जिम्मेवारी गुजरात तक सीमित है तो मुझे गुजरात के गांव और गुजरात के लोगों की बात करनी पड़ेगी ना, मुझे उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तब 4.5 करोड़ गुजराती थे, आज यहाँ 6 करोड़ गुजराती है। एक एक गुजराती सरकार की नीतियों से परेशान है, तो मैं उन गुजराती भाइयों बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए मैं बोलूँगा, लड़ूंगा, जेल में जाऊँगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। मुझ में और उनमें काफ़ी फर्क है, हम दोनों को आपसी मत रखिएगा क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता। चलिए हार्दिक।